अरविंद एक बात बताइए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में लीजिए, तो क्या होगा सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने से, वो बताएं। देखिए जैसा बाबा साहब सोचते थे, बाबा साहब जैसा चाहते थे, बाबा साहब वास्तव में इस प्रबुद्ध भारत का निर्माण चाहते थे। बाबा साहब ने एक आधुनिक भारत का निर्माण किया, जिस निर्माण के तहत उन्होंने एक भारतीय संविधान की स्थापना की, और उस संविधान के माध्यम से वो चाहते थे कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण बने। भारत का प्रत्येक प्राणी, इवन मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राणी की बात कर रहा हूँ, प्राणी में पशु पक्षी नदियाँ पहाड़ सभी आते हैं, उन सबके कल्याण के लिए उन्होंने एक भारतीय संविधान का निर्माण किया। और वो बिल्कुल जो कहते थे कि सत्ता की चाबी अगर आप रखेंगे, सत्ता की चाबी अगर ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होगी जो भारतीय संविधान का पालन करेंगे, तो निश्चित वो देश का विकास करेंगे। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से बहन मायावती जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी ने जो एक उत्तर प्रदेश में शासन के द्वारा उन्होंने किस प्रकार से एक गाँव का विकास किया, जो कि आतल गांव में आप घुस नहीं सकते थे, वहाँ पे उन्होंने सीसी निर्माण कर रोड, सीसी रोड बना के दिया, वहाँ के कम्युनिटी हॉल का उन्होंने निर्माण किया और विद्यालय बनाए उन्होंने ग्राम में। और आप देखिए, अगर आप यहाँ से जस्ट दिल्ली से अगर आप नोएडा एंट्री करेंगे, नोएडा एंट्री करते ही आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जाके देखेंगे, तो रास्ते में आपको दो कॉलेज पढ़ेंगे जिनको अगर आप देखेंगे तो उनके सामने पब्लिक स्कूल भी फेल हैं। तो ये एक सत्ता के कारण ही एक विकास का काम हुआ है। और आपको अभी रिसेंटली आप देखिए, जो आप सत्ता की बात कर रहे हैं, सत्ता का प्रभाव का एक बड़ा परिणाम अभी आपके सामने रिसेंटली आया है कि देखिए, एक सरकार की गलत नीयत के तहत एक निर्दोष बच्चों पे मतलब मुकदमे दर्ज करके उनको जेल भेजा गया, उनके भविष्य को खराब करने की कोशिश की गई। और जैसे ही अभी आपने देखा मध्य प्रदेश और राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन हुआ और आदरणीय बहन मायावती जी ने उनको एक रात के अंदर ही उनको अल्टीमेटम दिया, भाई आप अगर निर्दोष बच्चों के अगर मुकदमे वापस ले लेंगे तो हम सत्ता, हम आपके समर्थन वापस ले लेंगे, और तुरंत ये कागज शुरू हो गई। ये सत्ता का प्रमाण है कि उनके मुकदमे वापस हो रहे हैं। और उसके बावजूद मैं तो कहूँगा कि अगर ये बहन जी को देश का अगर नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे, तो निश्चित इस देश का इंसान नहीं प्राणी भी सुखी रहेगा और ये देश खुशहाल होगा, क्योंकि बहन जी ही भारतीय संविधान को स्थापित करने में सक्षम है। क्योंकि अभी तक जो सरकार रही है उन सरकारों के द्वारा भारतीय संविधान को स्थापित नहीं किया गया है, ना ही उन्होंने संविधान के अनुसार देश में कोई एक मतलब कार्यशील करने की कोशिश की गई है। संविधान समानता स्थापित चाहता है, लेकिन यहाँ से आप देखिए देश का विकास कैसे होगा, शिक्षा से होगा। शिक्षा में इन्होंने इतनी असमानता कर दी है, इतना निजीकरण कर दिया, शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया है, तो कहाँ देश का विकास होगा जी। तो ये देश के विकास की बात नहीं है। निश्चित अगर देश का विकास करना है तो बहन जी को प्रधानमंत्री से लाना पड़ेगा। ये बहुजन समाज से मैं अपील करूंगा कि आगे आने वाले 2019 के इलेक्शन में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएं और देश का विकास कराएं, क्योंकि बहन जी ही देश की नेता है जो इस देश का विकास कर सकती है जी। आपने बी आर बाव जी, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर बहन कुमारी मायावती आती हैं तो इस देश के सामाजिक वंचित SC ST OBC के लोगों को मुक्ति का एक साधन मिलेगा, जैसे अभी 2 अप्रैल को बहुत सारे बच्चों को बंद कर दिया था बिना किसी साजिश के तहत, उनके ऊपर रासुका वगैरह जैसी चीज़ें भी लगा दी गई थी। तो बहन कुमारी मायावती के सत्ता में आते ही एक रात के अंदर वो सारे बाहर आ गए, ऐसे बहुत सारे अधिकार बहुजन समाज के लोगों को मिलेंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है बहन कुमारी मायावती के हाथ मजबूत करना। एक बात बोल कहना चाहूँगा आपको जी, बताएं। देखिए जिस तरह आपने देखा होगा 4 बार उत्तर प्रदेश सरकार चली है जी, एक उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश रहा है जी। अगर अपराध मुक्त भारत बनाना है जी, तो निश्चित बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर जी बहन जी को लाना है, और आप बिल्कुल वास्तव में अपराध मुक्त भारत का निर्माण करेंगे जी। हमारे जिनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।